अलैकुम, क्या हाल है सबका? सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको अपने रहमत के साए में रखे। आमीन सुम आमीन। अच्छा, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम यखनी पुलाव बनाने लगे हैं जिसमें ये सब चीज़ें पड़ती हैं। 1 किलो चिकन है, 1 किलो चावल हमने गीले किए हुए हैं 1 घंटा पहले। अब हम इसकी यखनी पहले बनाएंगे, फिर बाद में चावल बनेंगे। ये सब सामान है। ये आलू बुखारा है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक, सूखा धनिया और सौंफ। ये देख लें, ये यखनी में डालेंगे हम। ये सारा मसाला इसमें चावलों में पड़ेगा। ये प्याज, टमाटर, सबंद मिर्चें, इसमें लाल मिर्चें नहीं डाली जाती। आपकी मर्जी हो तो आप डाल लें, लेकिन इसमें मैं सबंद मिर्चें ही डालती हूँ। वो ये फूड कलर है। अब हम पहले यखनी रखते हैं, आधा घंटा यखनी पकेगी, उसके बाद चावल बनाएंगे। ये कपड़ा है हमारा बिल्कुल साफ, इसकी हम पोटली बांधेंगे। इसकी सौंफ और सूखे धनिए की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमने पोटली बांध ली है। अब हम इसमें डालने लगे हैं। जैसे 1 किलो चिकन है, 1 किलो चावल है, हम इसमें 1.5 किलो पानी डालेंगे। ये देखें, मैं पहले आग जलाती हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेढ़ किलो पानी डालना है आप लोगों ने। ये एक अदद प्याज मैंने धो के रखा हुआ है। ये नमक, तीन चम्मच नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये गोश्त, चिकन, आलू बुखारा। आधे घंटे के बाद इसकी यखनी तैयार हो जाएगी। ये मैंने इसके नीचे आग जलाई हुई है, उतनी देर में हम ये चीज़ें काट लें चावलों के लिए। ये देखें, यखनी को उबाले आ रहे हैं माशाल्लाह। जब हमारी यखनी तैयार हो जाएगी तो फिर हम चावलों की तरफ चलते हैं। ये यखनी हमारी 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी, उतनी देर में हम अपना चावलों का मसाला भून लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 2 भर के डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म हो चुका है थोड़ा सा, ये हम मसाले इसमें डाल देंगे। ये मैंने धोए हुए हैं, धो के रखे हैं कड़ी पत्ता। ये थोड़ा सा हम 2-3 मिनट के लिए मसालों को भुनेंगे, फिर हम प्याज डालेंगे। प्याज भी मैंने काट लिया है, टमाटर भी काट लिया है, और ये मिर्चें मैंने पीस ली हैं। ये 2 मिनट हमने गरम मसाला भून लिया है, अभी हम इसमें प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ये डाल देंगे टमाटर। बिस्मिल्लाह तो अब मिर्च भी डाल देंगे, ये मैंने पीस ली हुई है। नमक मिर्च वगैरह मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी। लाल मिर्च मैं पुलाव में नहीं डालती, मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी, वो मैंने पीस के डाल दी हैं, और नमक सारा मैंने यखनी में डाल दिया था, जैसा हम खाते हैं अपना हसबे जायका। ये देखिए हमारी यखनी तैयार हो चुकी है, हम इसकी आग बंद कर देंगे। अब इसमें हम जो बोटियां हैं वो निकाल के भून लेंगे। पहले हम ये प्याज साबुत निकाल के लहदा कर देंगे जो हमने इसमें डाला था, और ये पोटली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू बुखारा हमारा इसमें पक गया है, तो ये ऐसा हुआ है। ये इसको भून रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट हमने इसको भूनना है। इसमें ये हमने 5 मिनट इसको भून लिया है। ये देखिए बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। ये अब हम यखनी इसमें डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अब मैं इसमें चावल डालने लगी हूँ। यखनी हमने डाल दी है, चावलों का पानी मैंने निकाल लिया है, अब मैं इसमें चावल डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 ये चावल मैंने सारे डाल लिए हैं, अब मैं इसमें चम्मच मारने लगी हूँ। पानी डालें तो सिर्फ चावलों से 1 इंच पानी ऊंचा होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। ये थोड़ा सा गद्दा रंग है, फूड कलर येलो, ये मैं थोड़े से पानी में इसको मिक्स करने लगी हूँ। ये 10 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन उठाया है। ये देखिए पानी हमारा खुश्क हो चुका है माशाल्लाह से, और ये हमने आज भी कम कर दी है। ये हम अभी इसको चम्मच लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह। कितना प्यारा रंग है। बच्चे आजकल बिरयानी पसंद करते हैं, और जो घरे हैं बड़े हैं घर में वो पुलाव पसंद करते हैं। हर घर का अब यही मसला बना हुआ है। ये हम कलर डालने लगे हैं, फूड कलर। सिर्फ ओनली 5 मिनट के बाद हम इसमें डिश आउट करेंगे। हम इसकी आंच आप बंद कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी प्यारी लुक है इसकी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
देखिए माशाल्लाह से कितने खिले खिले, कितने प्यारे चावल बने हैं। ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है, बहुत अच्छा लगता है। आप भी ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।